चिता को मुखाग्नि देने का समय आ गया है। बड़ा बेटा आगे आए। कोई हक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे हक नहीं है करने का। आदित्य, ये क्या कह रहे हैं आप? सोए, मुझे हक नहीं है यहाँ होने का। पहली बार बिल्कुल पते की बात कही है। वैसे भी मुखाग्नि देने का हक सिर्फ घर के बड़े बेटे को होता है। और वो इंसान जो खून भी करे और क्रियाकर्म भी करे, ये बात तो ऊपर वाले को भी नामंजूर होगी। देखिए, अरे बहुत ही बेशर्म लोग हैं ये लोग। एक तो हमारे हर्ष को छीन लिया हमसे, और अब अरे कम से कम आत्मा का दिल तो मत दुखा। अर्जुन, अर्जुन प्लीज कुछ कहिए। अर्जुन, इस वक्त बात मत कीजिए। इस वक्त मेरे डैड की लाश मेरे सामने, उन्हें आखिरी बार देख रहा हूं। अब सिर्फ अपने पति के बारे में नहीं, बाकी सब के बारे में भी सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज यहां सीन मत क्रिएट कीजिए। आप उनके सबसे बड़े बेटे हैं। अग्निमुख का हक आपका है। पंडित जी, अर्जुन, तुम्हारा बड़ा भाई है यहां पर,
सभी लोग आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़िए। स्वाहा। Easy, Zoya. Easy. You know what, Zoya? आज तुम पे बड़ी दया आ रही है। याद है जब तुम शेरनी की तरह दहाड़ रही थी? हम सब डर गए थे। तुम्हें लगा पता नहीं ये जोया क्या करने वाली है। तो उसके बाद आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तो हमारी मदद की जरूरत है। वैसे एक सलाह दूं? आदित्य अपने आप को मारे इससे पहले तुम उसे खत्म कर दो, और जहां तक जहर का सवाल है हम दे देंगे। हमें लगा तुम हमारे सामने गिड़गड़ाओगी, अबला नारी की तरह रोगी, लेकिन तुम्हारे पंजे तो अभी भी चल रहे हैं। प्रीटी गुड। वैसे ये तेवर कायम रखना बड़े काम आएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आदित्य हुडा बेकसूर है। क्या? मैंने कहा मैं प्रूफ कर सकता हूं कि आदित्य हुडा ने हर्षवर्धन हुडा का खून नहीं किया। अब फिर से कोई खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? जोया, कहते हैं कि दुनिया खेल का मैदान और हम सब खिलाड़ी हैं। थोड़ा खेल हम खेल ले तो क्या प्रॉब्लम है? सीधे सीधे बताइए आपको क्या चाहिए। तुम जानती हो जोया, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से दिन रात सिर्फ तुम्हारे सपने देखे हैं मैंने। तुम्हारी चंचल शोक कदाएं, ये चाशनी में घुली हुई बातें और ये तीखे तेवर, हाय हाय। किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता है जोया। अपनी जिंदगी की हर रात आदित्य के साथ गुजारना चाहती हो ना, एक रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी जोया। वैसे तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सोए, इससे पहले कि कानून तुम्हारे पति को तुमसे छीन ले या फिर मेरा मूड बदल जाए, डिसाइड कर लो। एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ आंखें बंद करके सोच लेना कि तुम आदित्य के साथ हो, बस। मैं तुम्हारे जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा जोया।
इस आग को बुझने मत देना सोया, जिसमें एक साथ जलने में जो मजा आएगा ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। और ये तेवर, इन्हें बचा के रखना, ये बड़ा काम आएंगे तुम्हारे लिए। घिन आती है हमें ये सोचकर कि हमें आप पर तरस आता था। हमें लगता था कि आपके साथ जो हुआ है वो बुरा हुआ है, लेकिन नहीं, आप जैसे बेगैरत इंसान के लिए खुदा ने पहले ही सजा तय कर ली थी। राक्षस है आप, राक्षस। राक्षस तो मैं हूं। राहु केतु रावण, लंका का रावण मैं हूं, लेकिन अपने राम जैसे पति को बचाने के लिए ना तुम्हें लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ेगी जोया, और मेरी लंका में आना पड़ेगा। सोच लो, तुम्हें अपनी आबरू ज्यादा प्यारी है या फिर अपने पति की जान? वैसे एक पति को तो पहले ही खो चुकी हो, अगर दूसरा भी टपक गया ना तो दुनिया कहेगी ये जोया बड़ी ही मनहूस लड़की है। जानू में जाएंगे हम और आदित्य को हम खुद बचाएंगे। रियली? और अगर ना बचा पाई तो फिर क्या होगा? जिंदगी भर रिग्रेट करोगी कि मैं आदित्य को बचा सकती थी लेकिन नहीं बचा पाई। सोच लो। हाय हाय हाय, शिकार जब तक कूदे फादे ना तब तक शिकार करने में मजा नहीं आता है। तो गई जोया, तू गई। अर्जुन, अर्जुन देख, ये लोग देखना, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे, कह रहे कि हर्ष नहीं आ सकते। ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हर्ष की फोटो ऐसे क्यों रखी है तूने? अर्जुन, इनका मेंटल स्टेटस बिगड़ता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हर्ष को आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। मामा मां सुनिए, हर्ष को बुला भी अभी क्या, अभी बुला। मम, डायर अभी नहीं आ सकते। अर्जुन, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें इन्हें एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। क्या तब से एक ही बात बोल रहे हैं आप? एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट, मैं ठीक हूँ, आपको दिख नहीं रहा है? हर्ष को आने दीजिए, फिर आपको वो बताएंगे। तो हर्ष को बुला। मम, मैं हूँ ना। हर्ष को बुला अभी क्या, अभी क्या देख रहे हैं आप लोग? हर्ष को बुलाइए जल्दी, जल्दी से बुलाओ हर्ष को, हर्ष को बुलाओ, हर्ष को बुलाओ, हर्ष को बुलाओ। ये तो भी शुरुआत है पागलपन की, आगे आगे देखिए होता है क्या।
बदहवास घूमेगी ये सड़कों पर। पति और बेटे को साथ में खोया है ना, बहुत अच्छा हुआ। वैसे अंजना, ये सब कर्मों का फल होता है और तूने तो बहुत पाप किए हैं। तू अकेली तो अपने पाप धो ही नहीं सकती, बल्कि पूरे तेरे घर वाले भी चाहें तो भी तेरे पाप नहीं धुल पाएंगे। प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। हम सुबह से 8 लॉयर्स के साथ जिरा कर चुके हैं, लेकिन हमने आपके बारे में सुना और आपसे बहुत उम्मीद है हमें कि आप ही आदित्य के लिए कुछ कर सकते हैं। प्लीज। मैं शायद कुछ कर सकता जोया जी, लेकिन इस केस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, बूढ़ा सर मेरे मेंटोर थे, आइडल थे मेरे, एंड और तो और सारे एविडेंस आदित्य के खिलाफ है, और मैं हुडा सर को जस्टिस दिलाना चाहूंगा। जोया जी, मैं तो क्या, कोई भी लॉयर आदित्य का केस नहीं लेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे बिना सच जाने। फिलहाल सच तो यह है कि आदित्य ने अपने फादर का मर्डर किया है, और मान लीजिए नहीं भी किया, लेकिन एक हाई प्रोफाइल स्कैंडल वाला केस है। जो भी लॉयर इस केस को हाथ लगाएगा वो अपने हाथ जलाएगा। प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप आदित्य के लिए लॉयर ढूंढने से अच्छा अपने लिए एक डिवोर्स लॉयर देखिए। जोया, अबू प्लीज कुछ करिए ना, हमारे आदित्य को छुड़ा दीजिए प्लीज। आदित्य ने अपने किस्मत पे खुद मोहर लगा ली अपने बाप के खून से। कितनी बार आपको मना किया था हमने, समझाया था ना, मानती कहां है आप अब्बू की बात। बस बहुत हो गया जोया, अब घर चले बेटा, रहने तो इस खोखले रिश्ते को, इस बेमानी शादी को। चलिए। छोटी शादी, खोखला, ये क्या कह रहे हैं आप अब्बू? हम आदित्य से प्यार करते हैं, हमने शादी की है उनसे, हमारा रिश्ता पाक है, और हमारा दिल जानता है कि आदित्य बेकसूर है, और हम ये साबित करके रहेंगे। क्या साबित करके रहेंगे आप? आप अव्वल दर्जे की बेवकूफ हैं, और किस बिना पे साबित करेंगे कि ये जो शख्स जिसे आप अपना पति कहती हैं वो देवता है, अपने बाप का खूनी नहीं? किस बिना पर कैसे? आपका जो ये प्यार है ना जोया, ये हमेशा आपकी आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। यश के साथ भी ऐसा हुआ था, और अब आदित्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। फिर से कहानी दोहरा रही अपने आप को आपके सामने, और आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आंखें खोलिए जोया, आंखें खोलिए। बस करिए, खुदा के वास्ते बस कीजिए। हमारी एक गलती की सजा क्या आप हमें जिंदगी भर सुनाते रहेंगे? आज तक आप हमसे नाराज थे, तो आज हम आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दें। चले जाइए अब यहां से, चले जाइए। अब हम आपके लिए कभी कोई परेशानी नहीं बनेंगे, ना ही आपसे कोई उम्मीद रखेंगे। चले जाइए। आज आपने हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते। ख्याल रखें आप। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.